हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस जैसे नाम से पता लग रहा है, ऊ रिप्रेजेंट करता है आपका ओसाइट्स को और जेनेसिस मतलब बनना। तो जो फीमेल बॉडी में जो ओसाइट्स बनते हैं, ओसाइट्स में जो डिवीजन होता है और फाइनली जो हमारा ओवम फॉर्म होता है, जो डेफिनेटिव ओवम फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब बात ये आती है कि जो ये ऊजेनेसिस की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है और किस तरीके से ये एंड होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि जो एक फीमेल बॉडी है, जब कोई भी फीमेल, ठीक है, अपनी मदर के वूम में होती है, यानी कि उसकी लाइफ की एग्जिस्टेंस का फर्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, यानी कि किसी मदर ने कंसीव किया, ठीक है, प्रेग्नेंट हुई कोई लेडी और उसके अगर वूम में आपका बेबी गर्ल है, ठीक है, लड़की है, तो क्या होता है, देखो जो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं ना, जिसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस का फेज बोलते हैं, वहीं पे हमारा क्या होता है, जो जो फीटस है, बेसिकली जो एम्ब्रायो है, सॉरी फीटस तो फिर होगा, तो जो एम्ब्रायो है उसके अंदर क्या होने लगता है, आपका ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं, लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट में ही, जब कोई भी लड़की अपनी मदर के वूम में है तभी से उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपका उसकी ओवरी में आपका बेसिकली ऊजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, स्टार्टिंग से ही वो हो रहा है। और अब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग का जो 2 महीने का टाइम होता है जिसे हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, वहां पे क्या होगा, आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो ऊसाइट्स हैं उनमें क्या होगा, आपका चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, डिवीजन होना स्टार्ट होगा और फाइनली कैसे प्यूबर्टी की एज में जब पहुंचती है कोई भी फीमेल और किस तरीके से ओवुलेशन होता है, उस पूरी प्रोसेस को हम अब समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो समझ में आ गई कि जब भी कोई लड़की अपनी मदर के वूम में है तो वहीं पे ऊजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो देखते हैं, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जब हमारी कौन सी फेज आई, एम्ब्रायोजेनेसिस की, ठीक है, जब क्या हो रहा है आपका एम्ब्रायो बन रहा है, जो स्टार्टिंग के 2 महीने का टाइम होता है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम पे ही क्या होती हैं, हमारी कुछ सेल्स होती हैं, सबको पता है कि जैसे सपोज ये अगर हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा अगर हमारा यॉक है, यॉक सैक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये एम्ब्रायो ही है, ठीक है, यॉक सैक वाले हिस्से में उसके मेम्ब्रेन में क्या होती है, इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी सेल है आपकी, प्राइमोर्डियल सेल है, कौन सी सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, ये सेल क्या होती है, देख रहे हो स्टार्टिंग में जब एम्ब्रायो बन ही रहा है उसका यॉक सैक वाला जो हिस्सा होता है उसकी मेम्ब्रेन में ये सेल्स प्रेजेंट है, ये पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि शुरू में एम्ब्रायोजेनेसिस में जो आपका 4th वीक होता है, ठीक है, जो 4th हफ्ता चल रहा है, उस वीक में क्या होता है, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये क्या करती हैं, उस एम्ब्रायो के गोनेट्स में क्या होती है आपकी, माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है यॉक सैक है तो फाइनली क्या होगा, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता ये है कि एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम पे ही आपका क्या होगा, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी गोनेट्स में जाना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि उस एम्ब्रायो के जो आपका ओवरी है आपका बेसिकली वहां ये माइग्रेट हो जाएंगी। तो सिंपल क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो जर्म सेल है, सपोज अगर मैं बात करूं ये ओवरी है, ठीक है, ये अगर ओवरी है तो ये जो सेल्स हैं ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ओवरी के अंदर जाके ओवरी में माइग्रेट हो जाएंगी। ये आपको दिख रही है प्राइमोडियल सेल, तो देखो कितने पहले से फीमेल की बॉडी प्लानिंग करने लगती है। ठीक है, इसलिए फीमेल्स जो बोलते हैं आपका प्लानिंग में बहुत आगे होती हैं, बहुत पहले से ही हर चीज को प्लान करके रहती हैं, तो उनकी बॉडी भी देखो इसी तरीके की है कि आपका बर्थ हुआ नहीं है अभी, केवल आपकी मदर ने आपको कंसीव किया है और स्टार्टिंग से ही आप क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचेंगे उसके बाद जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, ओवुलेशन होगा और आप फर्टाइल हो जाते हो, फर्टाइल मतलब आपके अंदर चाइल्ड बेयरिंग एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी फटाफट से क्या हुई, माइग्रेट होके कहाँ पहुंच गई, उस
एम्ब्रायो के कहाँ पहुंच चुकी है, ओवरी में, गोनेट्स में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी ओवरी इतने अच्छे से डेवलप नहीं होगी, बट आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये बहुत सारी होती है, इनमें आपका लगातार आपका प्राइमोर्डियल सेल्स में डिवीजन होता रहेगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपको दिख रही है इनमें क्या होगा, आपका डिवीजन होगा, मैं वो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज ये आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है, कौन सी है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आपका माइटोसिस की प्रोसेस होगी, जर्म सेल है, ठीक। स्टार्टिंग में क्या होती है आपकी, इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और माइटोसिस आपको सबको पता है माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, ठीक है। और क्योंकि डिवीजन होने से पहले डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, इसीलिए अगर ये जो प्राइमरी जर्म सेल है अगर इसके अंदर का जो डीएनए है वो 2n है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, तो जो माइटोसिस के बाद जो सेल बनेंगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। क्यों होंगे, समझ रहे हैं ना, मैंने पहले भी आपको जब माइटोसिस पढ़ाया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि डिवीजन होने से पहले जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक। तो वो अगर मान लो 46 क्रोमोसोम थे, ठीक, समझिए 46 क्रोमोसोम थे, तो वो बिल्कुल डबल हो चुके हैं। तो अब जब इस सेल से दो नई सेल बनेंगी तो दोनों में 46 मिल जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब जो डीएनए है वो सेम रहेगा, क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो ये प्राइमरी जर्म सेल्स क्या होंगी आपकी, डिवाइड होती चली जाएंगी। और ये जर्म सेल डिवाइड होने के बाद आपका क्या बनाती है, देखो इस तरीके से दूसरी सेल फॉर्म होंगी, मैं आपको सारी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। यहां से अगर मैं माइटोसिस कराऊंगी तो एक से दो मैं आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल बहुत ज्यादा है, तो माइटोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगी आपकी वो भी क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। मैं केवल एक ही सेल को बता रही हूँ, तो सेल का नाम है उगोनिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के मैं जब माइटोसिस की प्रोसेस होगी, ये सब देखो ये प्रोसेस जो हो रही है ना, ये तभी हो रही है जब वो जो बेबी गर्ल है वो अपने मदर के वुम में है, उस टाइम पे ये प्रोसेस चलती जा रही है, समझ रहे हैं। तो उगोनिया क्या हुआ, देखो इन जर्म सेल्स में आपकी माइटोसिस की प्रोसेस हुई, सेल डिवीजन हुआ और क्या बन गया, उगोनिया बन गया, ठीक है। उगोनिया आपकी एक सेल स्टेज है। अब क्या होगा, ये जो उगोनिया है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा आपका, उगोनिया आपका बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल इसके अंदर रहती है, ठीक। अब जो ये उगोनिया है आपका, इसमें भी डिवीजन होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस की प्रोसेस होगी, हम देखते रहो। माइटोसिस की प्रोसेस के बाद आपका जो उगोनिया है इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी ऊसाइट। तो ये बन गया देखो प्राइमरी ऊसाइट, जिसमें बाहर से इस तरीके से सेल्स की लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी ऊसाइट बन जाएंगे। तो प्राइमरी ऊसाइट ऐसे बने, ठीक है। पहले जर्म सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुई, उगोनिया बना, उगोनिया में फिर माइटोसिस की प्रोसेस हुई, डिवीजन होते गया और क्या बना हमारा, प्राइमरी ऊसाइट। क्योंकि प्राइमरी जर्म सेल बहुत सारी थी नंबर्स में, ठीक है, बहुत सारी जर्म सेल्स होती हैं, तो उगोनिया भी बहुत सारे बने होंगे। और उसी तरीके से जो उगोनिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्लस्टर सेल्स है इसमें से केवल एक सेल आपकी सर्वाइव करती है, बाकी की सारी डिजेनरेट हो जाती है, और वो ही क्या बनाती है, प्राइमरी ऊसाइट बनाती है। तो अब हमारे पास प्राइमरी ऊसाइट आ चुका है, ठीक है, ये अभी भी वो लड़की अपनी मदर की वूम में है जब ये पूरी प्रोसेस हो रही है। अब देखो क्या होगा, प्राइमरी ऊसाइट्स के अंदर क्या होता है, ये जो प्राइमरी ऊसाइट आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या होगा आपका, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा देखो, मियोसिस वन स्टार्ट हो जाएगी, बट इट विल बी अरेस्टेड एट प्रोफेज। मियोसिस स्टार्ट तो हो गई, पता है ना मियोसिस दो फेज में होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, ठीक है। और मियोसिस की कौन कौन सी स्टेज होती है, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हो गया। तो वही मियोसिस वन स्टार्ट तो हुई, लेकिन प्रोफेज में, प्रोफेज की भी स्टेज होती है डिप्लोटीन स्टेज, वहां पे जाके ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। यानी कि प्राइमरी ऊसाइट्स में मियोसिस स्टार्ट हुई है, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब वो रुक चुका है, हॉल्ट हो चुका है एट प्रोफेज, ठीक हो गया। इतना तक आपको समझ में आना चाहिए।
अब क्या होगा, ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्टिंग के 5 मंथ पीरियड में हो जाती है, 5 to 6 मंथ, जब जो बेबी गर्ल अपनी मदर के वोम में है तो ये प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। मियोसिस वन स्टार्ट हो चुकी है जो कि प्रोफेज में रुक चुकी है। ये सेल ऐसे के ऐसे प्राइमरी ओसाइट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ओवरी में वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आगे डिविजन हो नहीं रहा है। अब क्या होगा, जब आपका ऑब्वियसली बात है, जब ये जो बच्चा है, ठीक है, जो गर्ल है, ये जब भी क्या होगी, आपकी डिलीवर होगी, इस दुनिया में आएगी, उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन ये प्राइमरी ओसाइट ऐसे ही साइलेंटली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या होने वाला है, जब ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है तो कुछ टाइम बाद, अब इस चीज को समझेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब भी ये लड़की, ठीक है, अपनी प्यूबर्टी की एज को हिट करेगी, प्यूबर्टी की एज जनरली वो एज है जो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, जब क्या होते हैं आपके जो फीमेल के अंदर आपकी क्या होती है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हॉर्मोनल साइकिल बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, वो फर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल मतलब उसके अंदर चाइल्ड बेयरिंग एबिलिटी आ जाती है, वो कंसीव कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ऐसी एज में आके, ठीक है, जो कि अराउंड वेरी करती है, मैं ये नहीं बोलूंगी सब में एज जैसी होती है, 12 to 14 के बीच में ये चलता है, ठीक है, किसी किसी में लेट भी हो सकते हैं, 15-16 की एज में भी हो सकती है कुछ केसेस में, बट नॉर्मली 12 to 14 का एयर का केस चलता है। तो जब ये लड़की आपकी 12 से 14 साल की उस एज में आएगी, प्यूबर्टी की एज को हिट करेगी, तो क्या होगा, देखो उस एज में क्या होता है, आपका जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेस है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेस, जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उस एक्सेस का एक्टिवेशन हो जाता है और फटाफट से वहां से क्या होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो पिट्यूटरी है, सबसे पहले जो मैं पहले भी बताया हुआ है, अभी भी मैं बता देती हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा हायर सेंटर है, जो हमारा हॉर्मोनल कंट्रोल करता है बेसिकली, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में हमारा एक स्पेशल आपका न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस में जब भी वो न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, तो उस न्यूक्लियस के एक्टिवेट होते ही क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन को रिलीज करेगा, और ये GnRH कहाँ जाएगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, और जैसे ही हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी फटाफट से हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, गोनेडोट्रोपिन जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स कौन से हैं, FSH एंड LH, ये दो हॉर्मोन है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करने वाली है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। ये कब हो रहा है बेटे, जब हम प्यूबर्टी की एज में आ रहे हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में आते ही हाइपोथैलेमस का आर्कुएट न्यूक्लियस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर रहा है टू रिलीज FSH एंड LH। अब देखें क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, जो ये ओवरी है, बेसिकली ओवरी के अंदर जो ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं अभी शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि ये प्रोफेज में अरेस्ट हुए हैं, आगे डिवीजन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम में ये एंटीरियर पिट्यूटरी FSH को रिलीज करेगी, तो FSH क्या करेगा, इन ओसाइट्स को क्या कर देगा, आपका एक्टिवेट कर देगा, यानी कि इनमें जो डिवीजन हो रहा है उसे क्या कर देगा, जो रुका हुआ है उसे एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस ओवरी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, सो देट हम पूरी प्रोसेस को समझ सकें। ये तो आपको समझ में आ गया ना, फिटनेस अंदर क्या हुआ था, जब कोई भी लड़की अपनी मदर की वूम में थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये हमें क्लियर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्यूबर्टी के टाइम में जब FSH आ चुका है एक्शन में, तो अब क्या होगा। ठीक, ये जो प्राइमरी ओसाइट थे मैं बता चुकी हूँ, और मैं वो नहीं बता रही, ठीक है, वो मैंने कन्वर्जन आपको बता चुकी हूँ। तो ये सपोज ये हमारा क्या है, प्राइमरी ओसाइट, और ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है आपने, कि जो हमारे प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं ना बेटा, जब मैंने बताया यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ हो गई थी, जब बच्चा अपने मदर के वूम में थी, ठीक है, उस टाइम पे हो चुकी थी। अब देखो पूरे 12-14 साल तक क्या ये ओसाइट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ये कितने होते हैं, लगभग आपके 2 मिलियन ओसाइट्स आपके ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 मिलियन, समझ रहे हो इस चीज को, 2 मिलियन कितने होते हैं। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट 2 मिलियन है, जैसे जैसे जो वो फीमेल है, जो वो गर्ल है, अपनी प्यूबर्टी की एज तक
पहुंचती है। तो ये ऊसाइट्स क्या होते रहते हैं आपके, इनमें एट्रेसिया होते रहता है। एट्रेसिया मतलब होता है डीजनरेशन होते रहता है, और प्यूबर्टी की एज में आने तक, ठीक है, अराउंड आपके 40,000 तक आपके क्या रह जाते हैं, प्राइमरी ऊसाइट बच जाते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। जो 2 मिलियन थे जब लड़की अपनी मदर की वूम में थी, आते आते प्यूबर्टी की एज तक वो कितने हो गए, 40,000 हो गए। अब देखो क्या होगा, अब जो ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे आपका यूज होने वाले हैं, ओवुलेशन में आएंगे, इनमें से कुछ फिर से इनमें एट्रेसिया होने वाला है। अराउंड आपके 500 आपके प्राइमरी ओसाइट्स ऐसे होते हैं जो एक फीमेल बॉडी में, ठीक है, फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस टाइम पे बॉडी में ओवुलेशन में काम आते हैं। जो ओवुलेशन मेन जो ओवम बनता है ना, जो फाइनल ओवम जो स्पर्म से फ्यूज होता है, वो जो बनता है ओवुलेशन के टाइम में वो अराउंड 500 तक बनता है। यानी कि ये 40,000 में से भी उतने सारे आपके डीजनरेट ही होने वाले हैं, सब में एट्रेसिया ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो है ये क्या है, हमारे प्राइमरी ओसाइट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि मियोसिस वन स्टार्ट तो कर चुके थे लेकिन प्रोफेज में, जो आपकी डिप्लोटीन फेज थी प्रोफेज की, वहां पे अरेस्ट हो चुके थे। अब इनमें क्या होगा देखो, जैसे ही मैंने बताया, जैसे ही ये आपका जो गर्ल है, ये कोई लड़की का केस ही समझ के चलो, जब ये प्यूबर्टी की स्टेज में आएगी तो क्या होगा, FSH रिलीज हो रहा है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हाट विल बी हैपन, ये जो आपका प्राइमरी ओसाइट है बेसिकली, अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ डिवीजन होगा स्टार्ट, ठीक है। तो प्राइमरी ओसाइट्स में अगर डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा बताओ, मियोसिस वन में क्या होगा, मियोसिस वन के बाद क्या, दो सेल तो मिलेंगी आपको, है ना, दो मियोसिस वन होगा, दो सेल मिलेंगी, फिर दोबारा मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर कितनी बन जाएंगी, वो 4 बन जाएंगी, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से कितनी मिलती है हमें, 4, है ना। तो क्या हुआ देखो, इससे फिर हमें क्या मिल जाएंगी, 2 सेल मिल जाएंगी आसानी से। ये है, ये प्राइमरी ओसाइट है, मैं इसे ऐसे ही दिखा देती हूँ, 2 करने की इसे जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से इससे समझ लो। ये देखो ये सेल है बीच वाली, इसके अंदर आप देखो 2 आपको सेल्स दिखाई दे रही है, क्योंकि मियोसिस 1 पूरी हो चुकी है। जो प्राइमरी ओसाइट्स जो अंदर देखो एक सेल थी, वो कितने में टूट चुकी है, 2 सेल्स में। तो जो ये छोटी वाली सेल आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, पोलर बॉडी है। यही होता है मियोसिस में, एक पोलर बॉडी बनती है और एक क्या बन जाता है आपका, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, अब इसे आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सेकेंडरी ओसाइट। अभी तक प्राइमरी ओसाइट था, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो क्या हुआ आपका, सेकेंडरी ओसाइट आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक। अब जो है किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, इस चीज को समझते हैं। तो क्या हुआ, FSH के इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, एक तो हमें पता है कि जो हमारा सेल है, ये हमारी सेल है सपोज, ठीक, तो अब क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, डिवीजन तो हो रहा है, यानी कि सेल्स नंबर में बढ़ती जाएंगी। तो इस तरीके से जब FSH के इन्फ्लुएंस में बार बार ये प्राइमरी ओसाइट्स में जो डिवीजन हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि सेल्स बहुत सारी थी, तो इस तरीके से देखो फॉलिकल इस तरीके से आपका ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी सेल्स हैं देखो, FSH क्योंकि रिलीज हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेट हुए हैं, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिवीजन से बहुत सारी सेल्स बनेंगी और इस तरीके से आपका क्या हुआ, सेल्स बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाहर से जो हमारा, क्योंकि जो ये ओवरी है, ओवरी में क्या होता है, बाहर से आपका पूरे में कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू भी एक लेयर फॉर्म कर देता है इस ओसाइट के बाहर से, तो वो ये लेयर है देखो, ये भी सेलुलर लेयर है, ठीक है, सेल की ही लेयर है ये, इस तरीके से लेयर बनी। कहाँ से बनी ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर का जो स्ट्रोमा है आपका, वो ही क्या बनाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, वो ही ये लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक। तो देखें कौन कौन सी चीज बनी है, ये सबसे आउटर लेयर जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं देखो, सबसे आउटर जो लेयर है ये ब्लू कलर की, ये है आपकी थीका सेल्स, थीका सेल्स। इसके अंदर वाली जो सेलुलर लेयर आपको, फॉलिकुलर सेल की लेयर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर से, ये क्या है आपकी ग्रैन्यूलोसा सेल्स, ग्रैन्यूलोसा, देख रहे हो कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, ग्रैन्यूलोसा सेल।
और जो अभी फिलहाल ना मैंने सारा एक में बता दिया है, अदरवाइज अभी भी ये जो आपका ऊसाइट है, ठीक है, जहां तक इसे मैं अब इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे तो आपको समझा दिया कि कैसे आपका प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन रहा है, लेकिन इसकी बीच के एक स्टेप को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रही हूँ। तो पहले क्या होगा, SSH के इन्फ्लुएंस में जो आपकी ये सेल्स हैं इनमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, तो आउटर लेयर बन गई थीका, ये बन गई ग्रैनुलोसा, लेकिन अभी इस स्टेज में अभी भी ये जो अंदर आपको ऊसाइट दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है आपका प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो। अभी भी जो हुआ है ये पूरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अंदर जो आपको सेल दिख रही है ये अभी भी क्या है आपका प्राइमरी ऊसाइट ही है। नेक्स्ट क्या होगा, देखो अभी भी FSH काम कर रहा है, मैं आपको डिफरेंट स्टेज दिखा रही हूँ, ठीक है, फॉलिकल की। तो अभी भी देखो बाहर से हमारे पास लेयर रहेगी इस तरीके से, ये थीका सेल्स है हमारी, ठीक, अभी इन सब का सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। ये देखो ये हमारी कौन सी है, ग्रैनुलोसा सेल है, ठीक, मल्टी लेयर से बना लेंगे, ठीक, मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, ये ग्रैनुलोसा सेल है। और क्या होता है, देखो जो ये आपका प्राइमरी ऊसाइट है सेंटर में आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से क्या करता है साइड में आ जाता है, अभी देखो आप इसे, ये आ गया साइड में, और इसके बाहर भी इस तरीके से सेल आ जाएगी, ठीक, ये फॉलिकुलर सेल है जिसको आउटर साइड से कवर कर ले रही है। तो इसका मतलब जो सेंटर में था ये ऊसाइट, ये खिसक के कहाँ आ गया है, बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका है, और कॉर्नर में आने का मतलब कि आपकी एक कैविटी सी तैयार हो गई है। देखो यहाँ पे सेलुलर कैविटी है जहाँ पे सेल है, और ये खाली स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो देखो पूरी प्रोसेस में कैसे कैसे हो रहा है, तो ये बन गया हमारा क्या, एंट्रम, ठीक। अब यहाँ पे जब आपका ये फॉलिकल इस स्टेज में आ जाता है, ठीक, पहले मैं इसको नेमिंग भी दे देती हूँ, ये क्या था हमारा प्राइमरी फॉलिकल, ध्यान में रखिएगा स्टार्टिंग में जो प्राइमरी ऊसाइट जिस फॉलिकल के अंदर है इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये हमारा कौन सा है, इसे आप बोल सकते हो ग्रोइंग फॉलिकल या फिर आप सेकेंडरी फॉलिकल इसे नेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये बना है, ठीक है, नेक्स्ट जहां पे हमारी एक एंट्रम कैविटी क्रिएट हो गई है, ये फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूड भरा होता है, अभी मैं बताऊंगी कैसे, इसको क्या बोलते हैं हम, इस फॉलिकल को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। तो देख रहे हो कैसे ग्राफियन फॉलिकल बना। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अभी मैंने ये क्यों बताया था आपको, इतना देर मैंने वेट क्यों करवाया, यहाँ मैंने डायरेक्ट बताया था, ये रीजन यही है कि जो इसके अंदर अभी तक देखो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो सेल थी वो प्राइमरी ऊसाइट थी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी जो सेल थी वो प्राइमरी ऊसाइट सी थी, डिवीजन हो रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, मियोसिस फर्स्ट चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी इस दौरान, लेकिन जब ये सेकेंडरी फॉलिकल से फाइनली ये ग्राफियन फॉलिकल बना ना, इस स्टेज में आके जो ये आपकी सेल थी, जो ये आपका प्राइमरी ऊसाइट था, ये क्या हो चुका है, अब आपका ये डिवाइड हो चुका है। देखो दो सेल मैंने बना दी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई थी, अब ये जो आपका ऊसाइट है ये आपका कौन सा है ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी ऊसाइट बनने में देख रहे हो, यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया था, यहाँ आपको डिटेल में बता दिया है कि सेकेंडरी ऊसाइट यानी कि जो डिवीजन कंप्लीट होने में, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है तभी जाके डिवीजन कंप्लीट होता है, यानी कि जो प्राइमरी ऊसाइट है वो आपका मियोसिस वन कंप्लीट कर लेता है और हमें क्या मिल जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट आपको मिल जाता है। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट पोलर बॉडी तो सबको समझ में आता है, मैंने पहले ही आपको सेल डिवीजन में बताया हुआ है कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है सेल के अंदर का जो सेल डिवीजन के टाइम में है वो सारा पोलर बॉडी के अंदर आ जाता है और वहां से आपका वेस्ट के तौर पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, किसके इन्फ्लुएंस में बनाया बेटे, FSH के इन्फ्लुएंस में, ये पूरी प्रोसेस FSH के इन्फ्लुएंस में हो रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रही है। नाउ क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये इसी तरीके से बस बैठा नहीं रहेगा, क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर भी हमारी यहाँ पे जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना वैसे ही सेकेंडरी ऊसाइट बनते ही मियोसिस सेकेंड आपकी स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस सेकेंड दूसरा जो सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रोसेस है जो सिर्फ ये भी मियोसिस सेकेंड भी पूरी नहीं होती है, ये भी अरेस्ट हो जाती है एट मेटाफेज,
वो प्रोफेज में अरेस्ट हुई थी, ये कहाँ अरेस्ट होगी, मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाएगी। अब देखो क्या होने वाला है, जो ये सेकेंडरी ओसाइड है, सेकेंडरी ओसाइड डिवीजन हालांकि इसमें स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो आपका डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मेटाफेज में आके रुका हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, अब क्यों होगा ये भी मैं बताती हूँ पूरी प्रोसेस आपको। तो ये ग्राफियन फॉलिकल अभी ओवरी में बैठा हुआ है और इसके अंदर जो ओसाइट है इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है लेकिन मेटाफेज में रुकी हुई है। तो क्या होगा, जैसे ही LH रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, जैसे ही LH रिलीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, वैसे ही क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा लाइक दिस। और ये मैं पूरा बताऊंगी आपको कौन से डे में क्या होता है, ये साइकिल कैसे रन करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल इसे समझिए, देखो ये हमारा हो गया ठीक सेल है, और इससे किस तरीके से देखो ये हमारा ग्लैक्सी दिखाते हैं, किस पहले ग्लैक्सी दिखाया हुआ है, इस तरीके से ये आपका ओसाइट रिलीज हो रहा है, ठीक है ओसाइट रिलीज हो रहा है और आपको ये दिखाई दे रहा है, जो ये ओसाइट है इसके बाहर से ये फॉलिकुलर सेल की लेयर है ना, तो वो लेयर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये लेयर हालांकि ओसाइट रिलीज होता है और ये लेयर जो होती है ना वो थोड़ी सी आपकी टूट सी जाती है इस तरीके से, बट ये इस तरीके से रहेगी। इस लेयर को मैं ऐसे ऐसे बना देती हूँ, मैंने ब्लू कलर से शुरू किया हुआ है, ये वो लेयर ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये जो ओसाइट है ये रिलीज हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। अभी ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है जिसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुई थी लेकिन अरेस्ट हो गई थी मेटाफेज में। जैसे ही ये रिलीज होगा ठीक है, रिलीज होने पे आपका क्या होने वाला है, ऑब्वियसली रिलीज होके कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से हमारी फैलोपियन ट्यूब है ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ठीक है। रिलीज होके कहाँ आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ये फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अब क्या होगा, ये देखो जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते ही दो केस हो सकते हैं। देखो क्या दो केस हो सकते हैं, या तो ये जो ओवम है ये स्पर्म से मीट करेगा, अगर ये जो फीमेल है, ये जो लड़की है, अगर ये क्या है सेक्सुअली एक्टिव है ठीक है, और अगर स्पर्म बॉडी में एंटर करता है तो क्या होगा, ओवम स्पर्म से मीट करेगा, और ओवम स्पर्म से अगर मीट कर गया तो क्या होगा देखो, अगर मतलब इसे क्या बोलते हैं स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को, फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ठीक है, दो केस बनते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ना फटाफट से पहले क्या करेगा, जैसे ही देखो स्पर्म आया, मैं यही वाला केस पहले बता रही हूँ आपको, ये स्पर्म है ठीक, स्पर्म आया, जैसे ही ये स्पर्म का मैजिकल टच हुआ ओवम में, वैसे ही ओवम फटाफट से क्या करेगा, अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर लेगा। समझ रहे हैं इस चीज को, ये ओवम, जो ओवम के अंदर आपका जो ये ओसाइट है सेकेंडरी ओसाइट, वो फटाफट से अपनी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, जायगॉट बन जाएगा ठीक है, दो न्यूक्लियस रहेंगे ठीक। तो ये तो आपका हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर जो फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो स्पर्म एंटर करेगा नहीं, तो अगर ऐसा केस हुआ तो क्या होगा, ये ओवम लगभग ओवम की जो होता है आपका 24 से 48 आवर्स तक रहता है, लेकिन अगर इस दौरान स्पर्म नहीं आया तो ये जो ओवम है ये डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेशन के बाद जो भी मटेरियल बनेगा वो फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी ये एब्जॉर्ब कर लेगी ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे ओवुलेशन होता है, जब भी ओवम रिलीज होता है तो ऐसा नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका बाहर निकलता है, वो क्या करता है फैलोपियन ट्यूब में ही डिसॉल्व हो जाता है ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, जायगॉट बना होगा, वो यूट्रस में जाएगा, इम्प्लांट होगा, एम्ब्रायो बनेगा, फीटस बनेगा और एक बच्चे का जन्म होगा, है ना, यही तो होता है पूरी प्रोसेस। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम यहीं पे डिसॉल्व होके खत्म हो जाएगा, और दूसरी ओर जो यूट्रस था जिसने इतनी सारी तैयारी की हुई थी कि हाँ, क्योंकि आपको पता है ना मंथली साइकिल में क्या होता है, मंथली जो साइकिल फीमेल साइकिल चलती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें क्या होता है आपका यूट्रस तैयार हो रहा होता है फॉर इम्प्लांटेशन। वो हर महीने इस चीज के लिए खुद को तैयार करता है कि आपका जायगॉट आएगा, उसमें ब्लास्टोसिस बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा,
ठीक है, वो बेबी के अराइवल के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करके रखता है, हर मंथ तैयार करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका ओवुलेशन हुआ, स्पर्म लेकिन आया नहीं, तो क्या होगा, ओवम तो वहीं पे खत्म हो गया, साथ ही साथ जो यूट्रस ने तैयारी की हुई थी उसकी लाइन भी शेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और सारा कुछ क्या होगा, आपका जो ब्लड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, आपका जो आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वगैरह थी, वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंसेस में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको, ये मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम इससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस आपको बता देती हूँ, कि जो हमारी, हाँ, ये जो आपको थीका सेल दिख रही है ना, थीका सेल क्या करती है, एंड्रोजन बनाती है, एंड्रोजन जो कि मेल सेक्स हॉर्मोन है, समझ में आ रहा है, थीका सेल क्या करेंगी, एंड्रोजन बनाएंगी, और ये एंड्रोजन कहाँ जाता है, हमारी ग्रैनुलोसा सेल में जाता है, और ग्रैनुलोसा सेल के अंदर ये एंड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, एस्ट्रोजन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन एस्ट्रोजन कैसे बनता है ओवरी से, वो समझिए कि सबसे पहले जो थीका सेल है वो एंड्रोजन बनाती है, और वो एंड्रोजन हमारी ग्रैनुलोसा सेल में जाके किस में कन्वर्ट होता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और यही एस्ट्रोजन है जो कि क्या करेगा, आपका क्या करेगा, LH की रिलीज को बढ़ाता है, जो ओवुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है ना, पूरा हार्मोनल इन्फ्लुएंस कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या कौन कौन से डेज में क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी तो आपको ये बता दिया कि पूरा कैसे ओवुलेशन हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि LH कैसे रिलीज हुआ, कुछ स्पेशल कंपोनेंट थे क्या, FSH के लिए क्या था, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। आई होप आपको ओजेनेसिस तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डेफिनेटिव ओवम बना था, ठीक है, किस तरीके से सेल डिविजन हुआ, तो ये पूरा है ऑल अबाउट ओजेनेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्कस करना है, तो ये सीरीज समझते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैंक यू सो मच।